लोग का पहला ट्रेन जर्नी है, पहली बार हम लोग शादी के बाद बाहर जा रहे हैं, वाराणसी घूमने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। इधर 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 बाबू। बेटा अविरा। इधर 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 पापा ये दाल खाता है, ये भात खाता है। हेलो फ्रेंड्स, अविराज ब्लॉग्स में आपका स्वागत है और ये हम लोग लाइव अब आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं। अभी हम लोग अलकनंदा क्रूज के लिए जाएंगे तो आपको लाइव रिपोर्टिंग करते रहेंगे क्या क्या वहाँ है, फैसिलिटीज़ क्या क्या है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। ये मेरे साथ अंकु और ये हमारा अविराज। हेलो हेलो। चलिए तो आगे चलते हैं फिर। स्थल कुंड आदि अत्यंत सटीक समन्वय से भारत व ब्रह्मांड में अपने भौगोलिक स्थान के अनुसार सजे हुए हैं। दोनों उत्सव का विषय है। यहाँ देखने को बहुत कुछ है। पर्यटक यहाँ दिनों तक कर्दमेश्वर से कपिलधारा तक प्राचीन धरोहरों का अवलोकन कर सकते हैं या फिर पक्के महान और टी और कुछ स्नैक्स दिए जाएं। पकवानों का स्वाद ले, कदुरिया, नारियल बाजार, बंगाली छोला अथवा नेपाली कपड़ा की गलियों में विविध सामग्री। जीवंत संग्रहालय में सबके लिए एक न एक विशेष पल है जिसे वे कभी नहीं। हम लोग अलग अलग का मजा ले रहे हैं। देखिए बाहर का व्यू आपको दिखाता हूँ। After the death of Aurangzeb in 1707, and the biggest contributor in this process of reconstruction of Kashi for the Marathas. बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही प्यारा व्यू। बेल्ट हाँ ये अलकनंदा क्रूज के बैक साइड का व्यू। यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है। फ्रंट में ही चलते हैं। इधर देखो ब्रिज ऑफ इट्स काइंड इन द एंटायर एशिया।